Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are starting with our new unit of organic chemistry, that is synthetic polymers. So let's begin with the chapter. So इसमें हम पढ़ेंगे starting में first important terms के बारे में, जो भी इस chapter की important terms है मैंने यहाँ पर explain करी है. So first is polymer. Polymers क्या होते हैं? That are very large molecules with high molecular masses. इनके बहुत ज़्यादा high molecular mass है. And that are composed of small repeating units. इसमें small units जुड़े होते हैं in a regular way, right? और ये जो units हैं इनका नाम क्या है? That is monomers. So the simple polymer molecules from which the repeating structure units of polymers are derived are called monomers, right? And second is polymerization. पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस है जिसे एक पॉलीमर्स बनाएंगे, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम द सिंपल स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स, दैट इज द मोनोमर्स. सो इसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन. अब पॉलीमर्स दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज होमोपॉलीमर. अ पॉलीमर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम वन टाइप ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड होमोपॉलीमर. जैसे पॉलीथीन होता है, इसमें इथीन के यूनिट्स बार बार रिपीट होते हैं, सो दैट इज पॉलीथीन. सो इनकी एक रिएक्शन जो होंगी वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा. एंड सेकेंड इज कोपॉलीमर्स. पॉलीमर्स जो है that are made from two or more different types of monomers that are referred to as copolymers. Iska example hai jaise nylon 6,6. It is obtained from adipic acid and hexamethyl diamine. Ab isse bhi main acche se explain karunga, but afterwards in new videos. So I want that you should subscribe to my channel first so that hum videos ko cover kar sake in a better way, and aapko jab bhi main new video upload karu aapko notification aa jaye. So main iski next videos bhi jaldi upload kar dunga. So aap ise सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए, राइट? सो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन. अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है. दैट ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स. अब ये क्यों है? बिकॉज पॉलीमर्स को देखा जाए दैट आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स जिनमें कि बहुत सारे मोनोमर्स यूनिट्स जुड़े होते हैं, राइट? बट एक मैक्रोमॉलिक्यूल देखा जाए इट इज अ जायंट मॉलिक्यूल विच मे और मे नॉट कंटेन रिपीटिंग मोनोमर यूनिट्स. मैक्रोमॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही कई बार इतना बड़ा होता है जैसे कि हम उसको मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं. बट लेकिन पॉलीमर मैक्रोमॉलिक्यूल कब होगा? जब पॉलीमर में मोनोमर यूनिट्स ज्यादा होंगे, राइट? अब जैसे एग्जाम्पल ले लें, क्लोरोफिल एक मैक्रोमॉलिक्यूल है बट पॉलीमर नहीं है बिकॉज क्लोरोफिल में मोनोमर ज्यादा नहीं है, राइट? एंड इन कॉन्ट्रास्ट पॉलीथीन देखा जाए वो एक मैक्रोमॉलिक्यूल है क्योंकि उसमें बहुत सारे रिपीटिंग मोनोमर यूनिट्स हैं, राइट? सो इस तरीके से हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं बिटवीन मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स. सो लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स. सो इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी हमारे पास? दैट इज द मोनोमर्स यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन शुड बी ऑफ वेरी हाई प्योरिटी. बहुत प्योर होने चाहिए मोनोमर्स. और दूसरी बात, रिएक्शन जो कंडीशन होंगी वो उनको केयरफुली कंट्रोल करना आना चाहिए हमें, राइट? और सेकेंड थिंग, इसमें प्रोसेसेस कौन से यूज होंगे? दैट इज एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, एंड कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, राइट? सो तभी मैं कह रहा हूँ दैट वॉच दिस वीडियो टू द एंड, तो कि आपको ये अच्छे से इसका मैकेनिज्म भी समझ लग जाए, राइट? सो अब हम डिस्कस करते हैं एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. इसमें होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोमर्स टू फॉर्म अ लार्ज पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल. बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स की एडिशन होगी और एक लार्ज पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल बनेगा जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा, जिसके कि हर स्ट्रक्चरल यूनिट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा, दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ स्टार्टिंग मोनोमर. जो कि हमारे पास स्टार्टिंग मोनोमर का फॉर्मूला होगा, दैट विल बी द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एवरी रिपीटिंग यूनिट ऑफ दैट मॉलिक्यूल, राइट? सो दिस टेक्स प्लेस अमंग मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स. जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा उन्हीं मॉलिक्यूल्स में एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन करोगे. दिस इज स्टार्टेड बाय अ सूटेबल इनिशिएटर. एक सूटेबल इनिशिएटर लेंगे जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ऐड करेगा टू फॉर्म अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, राइट? एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाएंगे जिसका मैकेनिज्म मैं आगे डिस्कस करूंगा अच्छे से. सो तभी कह रहा हूँ अच्छे से वीडियो को देखिए. सेकेंड इज दैट दिस इंटरमीडिएट एड्स टू अ सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर. फिर से एक मोनोमर के साथ ऐड करेगा इंटरमीडिएट, फिर वही जो न्यू इंटरमीडिएट बनेगा वो थर्ड मोनोमर के साथ ऐड करेगा. तो इस तरीके से चेन बढ़ती जाएगी, राइट? अब जो इंटरमीडिएट्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन द मोनोमर एंड इनिशिएटर, इंटरमीडिएट्स कैन बी फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायंस और कार्बेनायंस. सो इन तीनों के हमारे पास मैकेनिज्म है. फ्री रेडिकल्स वाले का मैकेनिज्म मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, पर लेकिन कार्बोकेटायंस और कार्बेनायंस का मैकेनिज्म मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, राइट? सो इन दिस वे द पॉलीमर चेन कीप्स ऑन ग्रोइंग
बाय सक्सेसिव एडिशन ऑफ मोनोमर्स. मोनोमर्स ऐड होते रहेंगे तो पॉलीमर चेन ग्रो होती रहेगी वन एट अ टाइम एंड द रिएक्टिव एंड ऑफ द चेन विल रिमेन एज सच. सो रिएक्टिव एंड जो रहेगा सो इसे हम टर्मिनेट करेंगे विद अ सूटेबल कैटलिस्ट, राइट. इसी वजह से इस प्रोसेस को हम विनाइल पॉलीमराइजेशन कहते हैं, बिकॉज इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यूज हो रहा है ना, सो इसे विनाइल पॉलीमराइजेशन कहेंगे. सो लेट अस डिस्कस द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन. सो इट टेक्स प्लेस बाय चेन रिएक्शंस एंड इन्वॉल्व द यूज ऑफ कैटलिस्ट. और कैटलिस्ट क्या काम करेंगे, दे विल जनरेट फ्री रेडिकल्स. सो कैटलिस्ट जो जनरली हम यूज करते हैं दैट आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक परऑक्साइड्स और सॉल्ट्स ऑफ पर एसिड्स भी हम यूज कर सकते हैं. सो जैसे हमारे पास फर्स्ट है दैट इज बेंजोइल परऑक्साइड. सो इसका फॉर्मूला है C6H5C OO देन ओ सी डबल बॉन्ड ओ C6H5. सो इट कैन बी यूज. देन टर्शियरी ब्यूटाइल परऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल परऑक्साइड. इसमें सेम है, बस हमारे पास टर्शियरी कार्बन है और सी डबल बॉन्ड COO है, राइट. ओ सिंगल बॉन्ड ओ इसमें ही होता है. देन परऑक्साइड में हमारे पास नेक्स्ट रहेगा एजोब्यूटाइल नाइट्राइड, जिसमें कि हमारे पास एन डबल बॉन्ड एन जो है ज्वाइंट रहेगा एंड वी हैव द टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बन टाइन है हमारे पास, राइट. सो नेक्स्ट इज दैट मोनोमर्स जनरली जो है दैट आर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स. एग्जाम्पल जैसे विनाइल क्लोराइड है एंड देन स्टायरीन है. अब इन दोनों में आप देखिए विनाइल क्लोराइड में CH2 डबल बॉन्ड CHCl है. अब Cl भी एक सेक्रेटेड ग्रुप है, देन CH2 डबल बॉन्ड C6H5 है स्टायरीन, जिसमें C6H5 सेपरेट ग्रुप है. सो इसको हम एक नाम दे देंगे G. सो G के हिसाब से हम एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHG. सो G को चेंज करके हमारे पास न्यू टाइप्स के मोनोमर्स आ सकते हैं. सो इसी तरीके से हम मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास इथाइलिनिक कंपाउंड का फॉर्मूला रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CHG, राइट. सो इसमें फर्स्ट स्टेप रहेगा दैट इज चेन इनिशिएशन स्टेप. सो इसमें होगा क्या, दैट रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स. किससे बनेंगे, कैटलिस्ट से. वो क्या काम करेगा, इट इज यूज्ड एज अ रेडिकल इनिशिएटर. सो इसमें बेंजोइल परऑक्साइड यूज करेंगे. बेंजोइल परऑक्साइड का ये वाला जो है बॉन्ड इसे ब्रेक करेंगे. सो इसे हम हीट करेंगे एंड जो है हमारे पास बेंजोइल ऑक्सी रेडिकल बनेगा. बेंजोइल ऑक्सी जो रेडिकल बनेगा, राइट, इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा एंड CO2 बाहर चली जाएगी एंड बेंजाइल फ्री रेडिकल बच जाएगा. सो इसे हम फिनाइल रेडिकल्स बच जाएंगे एंड CO2 इवॉल्व हो जाएगी, राइट. सो रेडिकल जो फॉर्म होगा उसे हम जनरली R से रिप्रेजेंट करेंगे. दैट विल ऐड टू मोनोमर, जो कि ये वाला कंपाउंड था इसमें ऐड करेगा, राइट. सो आई एम शोइंग हियर दैट R जो है इट विल ऐड टू अवर मोनोमर, जो कि यही कंपाउंड है, एंड टू स्टार्ट द चेन बाय फॉर्मिंग न्यू रेडिकल. न्यू फ्री रेडिकल बनेगा जिसमें कि मोनोमर यूनिट भी होगा. सो ये न्यू फ्री रेडिकल बन गया, इसमें सिंगल बॉन्ड आ गया और R ग्रुप ऐड हो गया, राइट. सो इट इज वेरी इजी टू लर्न. सो ये जो न्यू फ्री रेडिकल है ये हमारी जो है प्रोपेगेशन में हेल्प कराएगा. सो सेकंड स्टेप इज चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप. इसमें क्या होगा, फ्री रेडिकल एड्स टू अ सेकंड मोनोमर टू फॉर्म अ न्यू बिकर फ्री रेडिकल व्हिच इन टर्न एड्स टू थर्ड मोनोमर मॉलिक्यूल. ऐसे पॉलीमर चेन ग्रो ही हो जाएगी. सो इसमें देखो हमारे पास जो अभी बना था फ्री रेडिकल, राइट. सो ये फ्री रेडिकल पिछले स्लाइड में बना था, वही हमारे न्यू मोनोमर के साथ फिर से ऐड करेगा. सो ये हमारे पास जो है एक हमारे पास डाइमर बना रहा है. अब इसमें फिर से हमने मोनोमर डाला, फिर वो थर्ड मोनोमर बन गया. इसमें हमारे पास तीन मोनोमर जुड़ गए. अब इसी से ही बहुत सारे मॉलिक्यूल जोड़ देंगे तो हमारे पास एक इलांगेटेड चेन बन जाएगी, जिसमें कि हम एन एज ए फॉर्मूला ले सकते हैं, जो कि हमारा स्टार्टिंग मोनोमर था. सो आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा है. सो इट इज़ वेरी इजी. अब हम थर्ड देखते हैं, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप. टर्मिनेशन क्या करेंगे, हम टर्मिनेशन को थ्री वेज से कर सकते हैं. फर्स्ट है हमारा कपलिंग. इसमें क्या करेंगे, कोलिजन बिटवीन ग्रोइंग चेन्स या ग्रोइंग चेन एंड अ कैटलिस्ट रेडिकल. सो पहले हम ग्रोइंग चेन्स के बीच में कोलिजन करवा देंगे. जैसे हमारे पास दो चेन्स थी यहाँ पर, राइट. सो ये एक चेन थी, इसकी दो चेन्स हमने ली, राइट, और इन दोनों की कोलिजन करवा दी और हमारे पास ये दोनों ऐड होगी एंड इट हैज टर्मिनेटेड टू अ डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल. सो इस तरीके से हमारे पास एक न्यू चेन बन गई. या फिर हम क्या कर सकते हैं, ग्रोइंग चेन और कैटलिस्ट रेडिकल को हम यूज कर सकते हैं टू फॉर्म अ डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल. सो यहाँ पर मैंने जैसे ग्रोइंग चेन ली और हमारा जो कैटलिस्ट फ्री रेडिकल था इन्हें यूज करा टू फॉर्म अवर डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल. सो इस तरीके से हमारी चेन टर्मिनेट होगी. सो दिस इज नोन एज कपलिंग. हमने रिएक्शन को रोक दिया, राइट. सेकेंड है हमारे पास डिसप्रोपोर्शनेशन. इसमें क्या करेंगे, वन फ्री रेडिकल लेंगे जो कि जिसके पास एक हाइड्रोजन होगा,
और वो हाइड्रोजन का एक्सपेंस करेगा, मतलब वो एक हाइड्रोजन दूसरे को देगा ताकि दोनों की डीएक्टिवेशन हो जाए। सो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर दोनों ही मॉलिक्यूल्स ऐड हुए, पर लेकिन एक ने अपना हाइड्रोजन दिया दूसरे को ताकि उसकी चेन रुक जाए, और जो खुद था वो खुद उसने डबल बॉन्ड बना लिया ताकि वो टर्मिनेट हो जाए। सो ये हमारे पास इस तरीके से न्यू चेन आ जाएगी, राइट? सो इट इज डिसप्रोपोर्शनेशन, राइट? एंड द थर्ड इज चेन ट्रांसफर रिएक्शन। कई बार क्या होता है, टर्मिनेशन इज ब्रॉट अबाउट व्हेन अ ग्रोइंग पॉलीमर एक्सट्रैक्ट्स एन एटम फ्रॉम सम इम्प्योरिटी इन द मोनोमर। सो मोनोमर में कुछ इम्प्योरिटी होती है, उससे एक जो है एटम एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है ग्रोइंग पॉलीमर, एंड दिस लीड्स टू टर्मिनेशन ऑफ ओरिजिनल चेन बट गिव राइज टू न्यू रेडिकल जो कि न्यू पॉलीमराइजेशन चेन को स्टार्ट कर देगा। फॉर दिस रीजन इम्प्योरिटी इन द मोनोमर इज नोन एज चेन ट्रांसफर एजेंट। इस इम्प्योरिटी को हम चेन ट्रांसफर एजेंट कहते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय ASH। इसे कहते हैं चेन ट्रांसफर रिएक्शन, राइट? सो जैसे हमारे पास मोनोमर चेन थी, इसमें रेडिकल था, राइट? इसमें हमने इम्प्योरिटी जो इसके साथ रिएक्ट कर गई और इम्प्योरिटी में से इसने हाइड्रोजन ले लिया और ये स्टॉप हो गया इनटू लाइक पॉलीमर, ठीक है? इसमें पॉलीमर बन गया और जो हमारे पास जो फ्री रेडिकल रह गया वो हमारी न्यू चेन स्टार्ट कर सकता है फ्रॉम द मोनोमर। सो इस तरीके से हमारे पास थ्री टाइप्स हैं जिससे कि हम चेन को टर्मिनेट करवा सकते हैं, राइट? सो जो लास्ट है हमारे पास, दैट आर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इथाइलिन को यूज करके पॉलीथाइलिन बना सकते हैं या पॉलीथीन कह सकते हैं इसे, राइट? सो इसमें इथीन को रिएक्ट कराया ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ और ये पॉलीथीन बन गया। जैसे एक्रोनाइट्राइल है, उसमें ऑर्गेनिक परोक्साइड डालो तो पॉली एक्रोनाइट्राइल बन जाता है, इसकी भी चेन। अब यहाँ पर एक एस्टिमेट लगाइए कि इसमें क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है ये मूव कर जाते हैं आगे। सो डबल बॉन्ड जो है दैट शिफ्ट टुवर्ड्स नेक्स्ट टाइम, राइट? सो इस तरीके से हमारे पास हर चेन में, जैसे यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, ये आगे शिफ्ट कर रहा है और जो इसके पिछला मॉलिक्यूल था उसने यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया। सो इस तरीके से हमारे पास जो है पॉलीमर्स में न्यू चेन बनती रहती है। सो यहाँ पर ऐसे ही पॉली स्टायरीन बना है फ्रॉम स्टायरीन विद द हेल्प ऑफ परोक्साइड। सो इतना ही है इस वीडियो में। सो हियर वी आर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक। So in the next video, we'll do the next topic. So don't forget to subscribe to the channel and share with others. Thanks for watching. Have a good day. Thank you.